लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम से मुकम्मल फाल हो जाएगा। आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। गुजरात, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, जहलम में तूफानी बारिश से नशीबी इलाके जेर आब आ गए। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। महकमा मौसम की कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की गई। सूबाई दारुलहुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के उफक पर बादल छा जाने से दिन में रात का समा दिखाई देने लगा। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि लाहौर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम से मुकम्मल फाल हो जाएगा। आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के दीगर शहरों गुजरात, रावलपिंडी, हाफजाबाद, जहलम में तूफानी बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना है। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई की है। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई की है।